तेरे करीब हूँ खड़ा, दिल मेरा माने ना, खुश नसीब हूँ बड़ा जो मुझे तू है। अलग तुझ में असर कुछ है के दिखता नहीं मगर कुछ है, अलग तुझ में असर कुछ है के दिखता नहीं मगर कुछ है। फिदा हूँ मैं तो एक नजर बस, एक नजर बस, एक नजर तक के लगे भी तो ये और किधर अब और किधर, दिल संग तेरे लग के सही वो भी लगे मुझको। गलत तुझ में अगर कुछ है, अलग तुझ में असर कुछ है। तुमसे किरण धूप की, तुमसे सियाह रात है, तुम बिन मैं बिन बात का, तुम हो तभी कुछ बात है। तुमसे किरण धूप की, तुमसे सियाह रात है, तुम बिन मैं बिन बात का, तुम हो तभी कुछ बात।
हो गई बंटू टू ओ कुड़िए वाटू डू ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वारगी तू एवें उड़ी दी ओ हो गई मुंडे दी हिला ते चल दी टुक टुक तू कर दी मेकअप तू कर दिया अंग्रेजी पढ़ दी गिट पिट तू कर दी जिम्मे कोई न साड़ी बिग टोरिया तू कैंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदो नज्जे पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा तू कैंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदो नज्जे पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा शामों से सुबह तुझसे अलहदा होकर मैं जाऊं कहां खोसा गया है मन मेरा तू है जहां तेरा होना कैसे करूं यूं मैं बयां सोचूं तुझे ख्यालों में शामों से सुबह जिसको तू रहनुमा इश्क की दास्ता जिससे तू आशना है सदा बस तेरे जवाबों की चली हवा जब तेरे सवालों की तेरा होना कैसे करूं यूं मैं बयां सोचूं तुझे ख्यालों में मैं शामों से सुबह दूर भागे तेरे बिना
काहे हमसे नाराज रहना, सजाए हम तेरी बरात है ना, सवेरे दिन रात ना पाए चैना, सुन लेना तुम्हें चाकर भी न चाहे, करे जो मन मानिए मन न माने, मिली जो ये जो याद मिल के अब बाटे तेरे नाम। सुना सफर पर प्रेम नगर है, मिल पाएंगे क्या हम तुमसे, जो रात बीती सुबह तो आई ना, छोटी उम्र पर बड़ी नजर है, मिल जाएंगे ये हम तुमसे, छुपा छुपाई नजर तो आई ना। अब तुम्हारे आस पास आ रही बारात, करना इनकार बार बार देना साथ, अब तुम्हारे आस पास आ रही बारात, करना इनकार बार बार देना साथ। सुन ना पाए हमारी बात, ओए ओए ओ चुरा के दिल तेरा, हम दूर भागे तेरे बिना, काहे हमसे नाराज रहना, सजाए हम तेरी बरात है ना, सवेरे दिन रात ना पाए चैना, सुन लेना तुम्हें चाकर भी न चाहे, करे जो मन मानिए मन न माने, मिली जो ये जो याद मिल के अब बाटे तेरे नाम। सुना सफर पर प्रेम नगर है, मिल पाएंगे क्या हम तुमसे, जो रात बीती सुबह तो आई ना, छोटी उम्र पर बड़ी नजर है, मिल जाएंगे ये हम तुमसे, छुपा छुपाई नजर तो आई ना। अब तुम्हारे आस पास आ रही बारात, करना इनकार बार बार देना साथ, अब तुम्हारे आस पास आ रही बारात, करना इनकार बार बार देना साथ। तुम्हारे आस पास आ रही बारात, करना इनकार बार बार देना साथ, अब तुम्हारे आस पास आ रही बारात, करना इनकार बार बार देना साथ। वे कमले आ, वे कमले आ, वे कमले आ मेरे नादान दिल, वे कमले आ, वे कमले आ, वे कमले आ मेरे नादान दिल, दो नैनों के पेचीदा सा गलिया रे, इनमें खोकर तू मिलता है कहाँ, तुझको अंबर से पिंजरे ज्यादा प्यारे, उड़ जा कहने से सुनता भी तू है कहाँ। गल सुन ले आ, गल सुन ले आ, वे कम ले आ मेरे नादान दिल, वे कम ले आ, वे कम ले आ, वे कम ले आ मेरे नादान दिल। क्या करना है तो प्यार कर, जिद पूरी तेरी बार कर, कम ले आ, वे कम ले आ, मन मर्जी करके देख ले, बदले में सब कुछ हार कर, कम ले आ, Oh,
कहूँ, आँखों ने मेरी सब कह दिया, एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। ओ क्या कहूँ, आँखों ने मेरी सब कह दिया, एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। अब सांसें चले ना चले क्या फिकर, तू चले साथ तो खूबसूरत सफर, तेरी राहों में मेरा जहां के रंग लग गया इश्क दा, के रंग लग गया इश्क दा, मैं तेरा हो या इस तरह के रंग लग गया इश्क दा। लावे दिला दिया लगिया दिला नहीं जगिया सजना वे सजना, लावे लावे दिला दिया लगिया दिला नहीं जगिया सजना वे सजना वे सजना वे। कि तेरे बिन आधा सा हुआ अधूरा कोई वादा सा हुआ, कि तेरे बिन आधा सा हुआ अधूरा कोई वादा सा हुआ, जो पहले कुछ कम था दीवाना मैं आज ज्यादा हुआ। रहने को मिल शहर है यहाँ धूप भी जैसे ठंडी लहर, वक्त ऐसे हुआ मेहरबान के रंग लग गया इश्क दा, के रंग लग गया इश्क दा, मैं तेरा हो या इस तरह के रंग लग गया इश्क दा। Thank you.
हर पल यूं मैं तकदीर माही दे ही खाब जे यूं फिर सुकून मिले तेरी सुन के आवाज
आसान नहीं प्यार की गल, पहली दफा चल रहा हूँ, माटी हूँ मैं हाथ में तेरे, छू के तुझे ढल रहा हूँ, तू गले से लगा ले बस मुझे एक बारी, फिर भले आसमां ले आसमां। First met in Bangalore. I think it was 2017. I was working in Bangalore, and she was a student in Christ University doing masters. So first we connected on Instagram, and we spoke for a few days before we realized we have a lot in common. We just met at a restaurant, but then the way we clicked, I think that was something really special. मतलब the पहली बार हम जब हमने एक दूसरे के साथ बात की, या हम लोग बहुत दिनों से बात कर रहे थे, उसी के बाद हम लोग जाके साथ मिले, लेकिन वो जो स्पार्क था, I think that did not click with any other person. मतलब क्लियर था कि we are going to see each other more often after that first date. Rohit as a person is somebody who's very composed, and I wouldn't say he's calm, but then he's just very composed, and he handles situations at his own level best. So I formally proposed Anandita, I think almost 2 years back, and by then we had already dated for more than 3 years. So it was never the cliched love story where you hear, you know, two people meet and it's usually the guy who ends up proposing, right? So it was different in our case. We just went with the flow. We saw each other a lot, and we just went on with it till I decided it's time to propose. So, and she was very happy when I proposed her, and I think the proposal happened in Ranchi. So there's this place called Soros. So वहाँ पे एक rooftop का हमको setting है. It was pretty romantic, like a starlit lit sky that night. Even though I was not doing well that day, I decided कि आज तो करना ही है. So I proposed that day. So she said yes. A lot of people have different meanings for soulmate. For me, a soulmate is a person who grounds you. মানে এত ডিস্টারবেন্স হতে পারে একজনের লাইফে, দ্যাট ক্যান বি মাল্টিপল ট্রমা এপিসোডস অর প্রবলেম অ্যাংজাইটি অ্যাটাকস অর হোয়াটএভার, বাট দ্যাট পারসন হু কিপস ইউ গ্রাউন্ডেড থ্রু আউট ইজ সামথিং আই থিঙ্ক ইউ উড লুক ফরওয়ার্ড টু বিইং উইথ, অ্যান্ড রোহিত ইজ দ্যাট পারসন ফর মি। সো হোয়েন এভার দেয়ারস বিন এনি আপস অর ডাউনস, হি ইজ অলওয়েজ বিন দেয়ার। তো উই কাইন্ড অফ মেড আ প্রমিস টু ইচ আদার দ্যাট even if we are not together ever, he would still be that person who I would go to. So Rohit is my special place. So it feels great to be married to him, and it feels great to have a future with him, and that's all I look forward to. I think one of the things jo ki main Anandita ko bhi batata hu aur main hamesha yahi samjhane ki koshish karta hu that people are different. So you might surprise me in a number of different ways, and I might do it in my own ways. It cannot be the exact similar moment. So for example, she conducted a really amazing event at the wedding, but to expect something like that from me, because I have different specialties, I have my own area of expertise, right? So I'm just saying, like, that doesn't mean I don't value the relationship or I don't value your efforts. It just means that you need to understand where I am coming from and how I value you. So I think that's one thing I would want to convey. Kichu din age ekbon ekta jinish hocholo jekhane most of my friends were getting a divorce, and it was really traumatic for all of us because amar khub close friends ra proto divorce situations e jacchilo, and they have been in relationship for almost like a year or like a year and a half, but then tokhon nijerei ekta khub uncertainty mone hocholo je hoyto khub taratari biye kore felchi, ba I'm getting married too soon, and I don't know what the future holds for me. Maybe this is not the right person. But all those doubts, all those shadows were instantly cleared in one conversation that I had with Rohit.
And I think that was the best part of it, where we decided that we don't know what the future holds for us, but then we know that we will be there for each other for whatever it takes. And getting me out from that uncertain position where, you know, you don't know what happens between you and your partner later in life. I just hope that me and Rohit are together through whatever we go through. And I think we will be able to deal with most of it. So, I want to tell you today that, yes, I'm scared. Yes, I'm shit scared of whatever future holds for us. But having you by my side, I know I can win it all. So, thank you for being there with me. আমরা যখনই ট্রাভেল করি আমরা প্রচন্ড ঝগড়া করি, কিন্তু অ্যাগেন নেক্সট মোমেন্টেই আমাদের মিটমাট হয়ে যায় অ্যান্ড দেন উই আর ব্যাক। সো একটা স্পেশাল খুব মেমরি, খুব মানে আমাদের ফার্স্ট ইয়ার অফ আর রিলেশনশিপ, আমরা কুর্গ গেছিলাম। তো সেখানে উই ওয়ার স্টিল নট ইন আ রিলেশনশিপ, উই ওয়ার স্টিল লাইক ডেটিং কাইন্ড অফ আ ফেজ, বাট নট লাইক ইন আ প্রপার ওয়ে। তো আই থিঙ্ক ওই একটা বাইক রাইড ছিল যখন আমরা ফিরছিলাম, আর পুরো অন্ধকার রাস্তাটাতে, কিচ্ছু নেই, মাইলস মাইলস কিছু নেই, রোহিত বাইক ড্রাইভ করছিল আর আমি ওর পিছে পুরো ঘুমাচ্ছিলাম অ্যান্ড পড়ে যাচ্ছিলাম। তো আমাকে পুরো এরভাবে হাতটা ধরে নিয়ে যাচ্ছিল অ্যান্ড তখন আমি বুঝতে পারলাম যে মানে আমার মাথা পুরো ইয়ে হচ্ছে, বাট ও আমাকে পুরো ধরে এক হাতে ও গোটা বাইকটা চালিয়ে আসছিল। তো সেফটি জিনিসটা কি হয় সেটা আমি ওকে দেখে বুঝতে পারি। We have to take life as it comes. বহুত ज्यादा সিরিয়াসলি নেই লেনা, লাইক পিপল get stressed out for very silly and small things in life. So, वो चीजें हम लोग को avoid करनी है. It's a small life, right? मतलब एक ही life है. तो उसमें जितना ज़्यादा खुल के जी सके, जितना ज़्यादा अच्छा life जी सके, rather than focusing on smaller and sillier things, जिसका कि लोग बहुत ज़्यादा stress लेते हैं. That is my goal. And it can be done in a number of different ways. So, yeah. Still, it feels good to have him by my side. When I know that nothing can go wrong. Even if something goes wrong, he will be there to handle it. And I think that's what the take is from this relationship, that anything goes wrong at any point of time, he will be there. And I think that's what I want from my life, from a partner that I deserve to be with. जो तेरे संग लागी प्रीत मोहे, रू बार बार तेरा नाम ले, के रब से मांगी यही दुआ, तू हाथों की लकीरें थाम ले। संग तेरे पानियों सा, पानियों सा, पानियों सा बहता रहूं, तू सुनती रहे मैं कहानियां सी कहता रहूं, कि संग तेरे बादलों सा, बादलों सा, बादलों सा उड़ता रहूं, तेरे एक इशारे पे तेरी ओर मुड़ता रहूं।
धड़कूं खुद को तुझसे अब दूर न जाने दूं के संग तेरे पानियों सा पानियों सा पानियों सा बहता रहूं तू सुनती रहे मैं कहानियां सी कहता रहूं के संग तेरे बादलों सा बादलों सा बादलों सा उड़ता रहूं तेरे एक इशारे पे तेरी और मुझे